बदलते मौसम के साथ में बालों की कई सारी समस्याएं आ रही है। दोस्तों जैसे ही मौसम बदलने लगता है बालों में समस्याएं पैदा होने लगती है। डेंड्रफ, ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, रफनेस हमारे बालों में हो जाती है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज्यादा है, मतलब झड़ तो बहुत ज्यादा रहे हैं और बाल जो नए हैं वो नहीं उग रहे हैं, तो इसकी समस्या का समाधान आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों की ओवरऑल समस्या को खत्म करेगा। जी हाँ, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको अपने बाल दिखा रही हूँ, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा, बालों पर हेयर मास्क से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बालों के लिए हेयर मास्क एक तरह से वरदान का काम करता है। जैसे कि प्यासे को अगर पानी पिला दिया जाए तो उसे जो संतुष्टि मिलती है, उसी तरह से बालों को अगर हम प्रॉपर केयर करते हैं, हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, तो बालों को एक जान मिलती है। क्या होता है कि बालों में जो रफनेस आती है वो बालों के ड्राइनेस की वजह से आती है। तो अगर हम बालों को कंडीशनिंग करते रहेंगे तो उससे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को साथ में शेयर कर रही हूँ एक ऐसा बालों की ओवरऑल समस्या को खत्म करेगा, बालों को हेल्दी बनाएगा, चमकदार, काले, लंबे, घने सब कुछ बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी जार ले लेंगे। इसमें हम लेंगे पके हुए चावल। ये जो चावल हैं आप बने हुए, पहले से बने हुए चावल भी ले सकते हैं, पर बस ध्यान रखना है उसमें नमक या फिर ऑयल मिला हुआ नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो सेपरेटली चावल बना लीजिए, जितने आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल बनाए थे तो वो बन के इतने सारे हो गए, इसमें नमक और ऑयल नहीं डाला है, सिंपल चावल है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो है वो है गाढ़ा दही। जी हाँ, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही लेना है, ताज़ा वाला, घर का बना हुआ। अब इसमें हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रहे हैं जो कि है एलोवेरा पल्प। आप फ्रेश एलोवेरा पल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास में फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट का जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से ये पूरी लीफ का मैंने पल्प ले लिया है और इसे मिक्सी जार में इसके साथ में हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसका पल्प भी हम डाल लेंगे। नेक्स्ट जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है ऑयल। अगर आपके बालों में विटामिन ई कैप्सूल आपको सूट करता है तो आप वो डाल लें, 2 कैप्सूल, नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, सरसों का तेल। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर में बिल्कुल बारीक पेस्ट जैसा हम बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बारीक हो गया है। मेरा मिक्सी जार थोड़ा सा ख़राब था तो इसमें थोड़े से दाने रह गए थे, कोई बात नहीं, वो तो वॉश होगा, जब ड्राई होगा और वॉश होगा तो वो निकल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मेरे बालों में तेल भी लगा हुआ है, मैंने ऑयलिंग कर रखा है बालों को, फिर भी हम इस मास्क को लगा सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई हेयर्स पर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऑयली हेयर पर भी लगा सकते हैं। मेरे ऑयली हैं अभी तो मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से पहले आप कुछ नीचे बिछा लें क्योंकि इसमें दाने रह गए हैं, जो चावल के चंकी पार्टिकल्स रह गए हैं तो ये थोड़े बिखर सकते हैं। अब इस तरह से बालों के छोटे छोटे सेक्शन निकाल निकाल के और थोड़ी थोड़े से इस तरह से पार्टीशन करके आप इसे लगा लें। ये देखिए, मैं आपको फुल प्रोसेस बता रही हूँ, बिना स्किप किए हुए आपको इसे देखना है। अब यहाँ पर जो चावल है ये इसमें बहुत अच्छा स्टार्च होता है जो कि बालों को नेचुरली स्ट्रेट करने में हेल्प करता है, बालों में विटामिन ई और बालों को नरिशमेंट देता है। और साथ ही इसमें हमने दही यूज़ किया है जो कि बालों को डीप कंडीशनिंग करता है। और देखिए, इस तरह से हम इसे पूरी तरह से अपने रूट्स पे और सब जगह लगा लेंगे। अब बात हुई थी दही की, दही तो हमारे बालों के लिए ही बहुत अच्छा कंडीशनिंग करता है, सॉफ्टनेस करता है, और एलोवेरा भी हमारे बालों को बहुत सुंदर बनाने में मदद करता है, बालों की लेंथ के लिए मदद करता है, बालों के जितनी भी समस्याएं उनको ख़त्म करता है। विटामिन ई का जो अगर हम यूज़ करते हैं या फिर कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बालों को पोषण देने का काम करता है। अब इस तरह से देखिए, ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में ये ऐसे हमने फिर लगा लिया है। लगाने के बाद हम इसे 2 घंटे तक बालों में लगे रहने देंगे और 2 घंटे बाद आप शैम्पू कर लीजिए। कोई भी शैम्पू कर सकते हैं, माइल्ड सा शैम्पू करने के बाद में कंडीशनिंग कर ले और फिर आप खुद देखें। ये जो बाल हैं इसमें मैंने कोई अभी कंघा नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बस डायरेक्ट उंगलियां चला रही हूं और बाल सॉफ्ट शाइनी दिख रहे हैं। ये देखिए,
है ना मजेदार, आप भी इसे यूज करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा इस तरह से, ये जो इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा काम के हैं आपके बालों की हेल्थ के लिए। आप इस हेयर मास्क को आप भी तैयार करें और आप अपने बालों पर इसे अप्लाई करके देखें, आप खुद देखेंगे चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक ही बार में आपके बाल सिल्की शाइनी मजबूत भी होंगे और साथ ही ये इस तरह से बस उंगली डालो और आपकी उंगलियां फिसलेगी। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा उलझते हैं तो उलझना भी बंद हो जाएंगे। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और फिर जब रिजल्ट मिले मुझे शेयर ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी तरह की और भी कई जानकारियाँ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही लगातार वीडियो में आई बटन पर आपको कुछ वीडियो शो हुए हैं, आप उन्हें भी देखें, आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।